एक दिन आलू ने भिंडी के मोबाइल पर मैसेज किया और उसे कहा आई लव यू। तो भिंडी को बहुत गुस्सा आया और उसने आलू को जवाबन कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इतनी स्मार्ट और तुम इतने मोटे। तो आलू को बहुत दुख हुआ। उसके बाद आलू ने इतनी सब्जियां फंसाई, जैसे आलू मटर, आलू पालक, आलू भिंडी, आलू गोश्त, आलू पालक, और भिंडी बिचारी आज तक अकेली है। इसको कहते हैं गरूर का अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक हैं। हमेशा की तरह आपसे एक ही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक भी किया करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माशाल्लाह आज माह रमजान का चौथा रोज़ा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज बना रही थी चाट, और ये देखें आलू कटिंग कर रही हूँ। कटिंग कर रही थी आलू, और आप सब बहन भाइयों ने मुझे बताना है कि आप सबका रोज़ा कैसा जा रहा है। आज हमारे तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 40 सेंटीग्रेड पे गर्मी टेम्परेचर गया हुआ है। तो आप सब ने बताना है कि आपके शहर, आपके गांव में गर्मी कैसी याद है। जी अब ये देखिए, मैंने आलू ये ना काट चुकी हूँ चाट के, और ये समोसे की रेसिपी बनाने लगी हूँ। समोसे का जो है मसाला तैयार कर रही हूँ। समोसे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आप देखिए, ये मैंने आलू पहले से बॉईल करके रख दिए थे चाट के लिए भी और समोसों के लिए भी। और ये देखिए, मैंने ये चने भी बॉईल किए हैं। ये आप देखिए, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये डाल दी चने इसके अंदर, और ये मैंने टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे पहले से ही, ये भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये स्पाइस में मिर्चें नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने खानी है, इसके बाबा अभी तक नहीं आए। अगर उन्होंने खानी हो तो वो अलग अपने प्लेट में डाल लेंगे, बच्चे मिर्चें नहीं खाते। और ये चॉप प्याज भी मैं डाल दी हूँ इसके अंदर। प्याज भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये कुछ मौसम के मसाले में भी डाल देते हैं प्याज, ये कुछ चाट में डाल देते हैं। चलिए डाल दिए। और अब इसके अंदर मैं डालती हूँ ये स्पाइसी, इसके अंदर थोड़े से डाल लेते हैं ये सर ग्रीन चिली, ये डाल देती हूँ। ये खुश्क मसाले डाल लेते हैं, तकरीबन एक चम्मच के करीब सुरख मिर्च है, ये मेथी है, खुश्क धनिया, ये गरम मसाला, और एक चुटकी हल्दी और नमक, और ये नमक डालते हैं। बस आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना फ्रेश फ्रेश धनिया। ये अभी इसको कटिंग करते हैं और चटनी के लिए इसको तैयार करना है। अभी मैं इसको तोड़ के रख लेती हूँ। ये इसको ऐसा खोल के रख लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए तो ये सब्ज़ मिर्चें डाल दिए, धनिया और पुदीना डाल दिया। अब ये चटनी के लिए चटनी बना रही हूँ। अभी तक इसके बाबा आज नहीं आए, कल इस टाइम तक तो आ गए थे लेकिन अब नहीं आए। आज उन्हें
उनका भी आज फिर होता है, मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने फिर रोजा रखा तो अभी तक वो नहीं आए काम से। और तारी में वैसे भी काम थोड़ा ही रह गया, घूम के रख लिया था, देखें अब इसकी हम रोटियां बना लेते हैं, ऑयल लगा के रोटियां बनानी है। कैसे गोल गोल रोटियां बना लेनी है, ये देखिए हमारी रोटी गोल, ये देखो ये हमारी गोल रोटी तैयार हो गई। अब इसको हम सेंटर से बिल्कुल एक बार रख के कटिंग कर लेना है, ये देखिए कटिंग करके फिर हमने इसमें ये मसाला फिल करना है। यहाँ उसकी गोल गोल टिकिया बना लेते हैं, आप सब ने मुझे बताना है कि आप सब का रोजा आज का कैसा गुजरे। इसको ऐसे बेलते जाना गोल गोल, ये देखो माशाल्लाह हमारे कुछ समोसे तैयार हो गए हैं। और ये देखो ये मैंने कुछ बना के रखा है, इसमें